उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल इस समय जोरों पर है। अभी हाल ही में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मऊ के हलधरपुर रैली के द्वारा गठबंधन का ऐलान किया है, तो वहीं कई नेताओं के दल बदलने के क्रम भी जारी है। अभी 3 दिन पहले ही भाजपा के बागी विधायक राकेश राठौर के सपा ज्वाइन करने की खबर की आग शांत हुई नहीं थी कि भरपाई के रूप में भाजपा ने सपा के पूर्वांचल का बेहद मजबूत नेता तोड़कर अपनी भरपाई कर ली है, या यूं कहें कि सपा को सबसे बड़ी चोट दी है। लगातार 2 बार से सपा से विधायक चुने जा रहे सैदपुर के विधायक सुभाष पासी आज लखनऊ में भगवा चोला पहन लेंगे। विधायक ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि मीडिया में चल रही खबरें पूर्ण रूप से सत्य हैं। आपको बता दें कि सुभाष पासी के इस कदम के बाद पूर्वांचल की राजनीति में हलचल मच गई है, क्योंकि इससे सपा को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि सुभाष पासी ने भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विद्यासागर सोनकर को हराया था। सुभाष पासी का विधायक बनना पूरे प्रदेश में सपा की सबसे बड़ी जीत मानी गई थी, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में सबसे कद्दावर नेता भाजपा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर बैठे व्यक्ति को सपा से हार मिली थी। उस चुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत सैदपुर विधानसभा में झोंक दी थी, लेकिन सुभाष पासी ने अपनी मजबूती मोदी लहर के उस दौर में भी साबित की थी, जब अच्छे अच्छे दिग्गजों ने अपनी सीट गंवा दी थी। उस जीत के बाद सपा नेतृत्व भी विधायक से बेहद खुश था, लेकिन अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले सुभाष पासी भाजपा में आकर क्या कमाल दिखाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। उनका भाजपा में आना सपा के लिए चिंता का सबब है।